नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। सितारगंज प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से एसएसआई सुधाकर जोशी को कोरोना योद्धा का प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया है कि सुधाकर जोशी ने सुशीला तिवारी स्थित ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेट किया। दो दिन पूर्व एक कोविड-19 की मृत लाश को अपने साथ एम्बुलेंस से ले जाकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। जहां दूसरी तरफ पूरे बाजार की स्थिति दयनीय पड़ी हुई है, वहां पर स्वयं खड़े होकर एसएसआई सुधाकर जोशी ने कई लोगों को जानकारी देकर समझाया और उन्हें पूरी जानकारी दी। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया, कुछ लोगों के अंदर आज भी मानवता जीवित है। हर व्यक्ति वैश्विक कोरोना महामारी से दूर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी मुश्किल घड़ी में सितारगंज में तैनात एसएसआई सुधाकर जोशी ने प्लाज्मा डोनेट किया और ऐसी जगह जहां पर कोई भी व्यक्ति जाने से डरता है, जहां कोविड सेंटर बनाया हुआ है, उस जगह पर पहुंचकर सितारगंज में तैनात एसएसआई सुधाकर जोशी ने प्लाज्मा डोनेट किया। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। बहुत ही कम लोगों के अंदर मानवता जीवित है। आज की डेट में हर व्यक्ति इसको कोविड-19 की महामारी से दूर भागना चाह रहा है। ऐसे मुश्किल समय में कल भी माननीय सुधाकर जोशी जी, जो हमारे एसएसआई है, उनके द्वारा प्लाज्मा डोनेट किया गया हल्द्वानी और ऐसी जगह पर जहाँ पर आदमी जाने से डरता है, सुशीला तिवारी के अंदर, क्यों वहाँ पर कोविड का हायर सेंटर बनाया गया, वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट कराया। इस अच्छे कार्य के लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ। और इससे पहले दो तीन दिन पूर्व ही हमारे यहाँ एक प्रयास हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी कोविड-19 के दृष्टिकोण से ही, तो उसकी बॉडी को अपने साथ एम्बुलेंस में लेके जाना और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जो इन्होंने मानवता दिखाई है अपनी जान को जोखिम में डाल करके, मैं इन्हें सत सत नमन करता हूँ। और ऐसे सभी पुलिस वालों को मेरा सलाम है और मेरा दिल की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। इसी प्रकार से लोग मानवता के दृष्टिकोण से कार्य करते रहें, मैं सदैव इन लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। अस्पताल चल रहा है इस समय, हम भी अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं, साथ साथ ड्यूटी के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण को भी, किसी ज़रूरतमंद को भी परेशानी ना हो। व्यापार मंडल के साथ हम अपना सामंजस्य बैठा कर इसमें सहयोग प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह से कोई भी आम नागरिक को बाधा ना आए, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। और इस संदर्भ में व्यापार मंडल से हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। शासन द्वारा दिए हुए गाइडलाइनों को हम तो अपने स्तर से पालन कर ही रहे हैं, तो इसमें आधे से ज़्यादा पालन व्यापार मंडल स्वयं करा रहा है और हमें गर्व है कि हम सितारगंज व्यापार मंडल के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं।